हेलो सेलर्स, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मजे में होंगे। अगर आप मीशो के एग्जिस्टिंग सेलर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि अगर आप मीशो मॉल में रजिस्टर्ड करते हो तो कई सारी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है ऑर्डर इंक्रीज होने की। ठीक है, तो इसका ये प्रोसेस क्या है, कैसे रजिस्टर्ड करना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मीशो ने मीशो मॉल लॉन्च क्यों किया है। क्योंकि ज्यादातर आप कस्टमर को पूछोगे ना कि अच्छे प्रोडक्ट्स लेने हो तो आप कहाँ से लोगे, तो उनका यही कहना रहता है कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। अगर ये भी पूछा जाए कि मीशो से क्यों नहीं आप लेना पसंद करोगे, तो उनका जवाब यही रहता है कि वहाँ पे कचरा प्रोडक्ट मिलता है। तो यही इमेज सुधारने के लिए मीशो ने मीशो मॉल लॉन्च किया है। वहाँ पे आपको टॉप ब्रांड्स मिलेंगे, ग्रेट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस में सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो मीशो नहीं चाहेगा कि उसके कस्टमर कोई और प्लेटफॉर्म पे जाए। ठीक है, तो इसमें हमें एनरोल कैसे होना है, इसके क्राइटेरिया क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, मीशो मॉल इज अ प्रीमियम रिटेल स्पेस रिजर्व फॉर ब्रांड ओनर्स एंड ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द एप। जी हाँ दोस्तों, मीशो मॉल आपको एप्लीकेशन में ही देखने को मिलेगा। ये स्पेशली फॉर उनके लिए जो ब्रांड ओनर्स है और ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, मीशो मॉल प्रोडक्ट हैव अ मॉल टैग ऑन ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स लिस्टिंग विच हेल्प कस्टमर आइडेंटिफाई ऑथेंटिक क्वालिटी ब्रांडेड प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप इसके अंदर एनरोल हो जाते हो तो आपकी जितनी भी लिस्टिंग होती है जो मीशो मॉल में दिखाई देगी, वहाँ पे मॉल का टैग लगा होगा। ठीक है, वो कैसे दिखेगा वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो क्राइटेरिया सिंपल है, इसमें कोई हार्ड नहीं है। सप्लाई नीड टू बी एदर अ नेशनल ब्रांड सेलिंग डायरेक्टली और अ लोकल ब्रांड लेबल विच इज वैलिडेट थ्रू अ बेल फ्रॉम द मेन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ऑफ देयर ऑन ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दोनों में से आपको आपके पास एक चीज होनी चाहिए, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट या फिर जिस ब्रांड से आप सेल कर रहे हो उसका ब्रांड ऑथोराइजेशन लेटर होना चाहिए। ठीक है, ये होने के बाद अब हम आते हैं, ये मीशो मॉल में एनरोल होने के बाद उसका फीस क्या रहेगी। ठीक है, तो फीस सिंपल है दोस्तों, दे मस्ट एग्री टू मॉल प्लेटफॉर्म फी विच इज द मिनिमम ऑफ 2% ऑफ टोटल रेवेन्यू। जो ऑर्डर का टोटल रेवेन्यू होगा उसका 2% चार्ज करेगा, 2% प्लस GST। ठीक है, तो उसमें एनरोल कैसे होना है, तो उसका प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए जो गूगल फॉर्म है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा दोस्तों। ये वीडियो एंड होने के बाद आप फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसे फिलअप कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे ना तो ये गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आनी चाहिए, नहीं है तो आपको स्विच अकाउंट करके ला देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सप्लायर आईडी आपको एंटर करनी है जो 5 डिजिट की होती है। तो वो कहाँ से आपको मिलेगी, दो तरीके है दोस्तों आपके पास, या फिर आप सपोर्ट में जाके आप टिकट रेज कर दीजिए अदर में और वहां पे कह दीजिए कि मुझे सप्लायर आईडी जाननी है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। या फिर आप मंथली जो GST रिपोर्ट डाउनलोड करते हो ना, तो जो फाइल का नाम होता है ना उसके स्टार्टिंग में ही होता है। ठीक है, तो वहीं से भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी आपको एंटर कर देनी है, जिससे आप लॉगिन करते हो, रजिस्ट्रेशन आईडी हो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद आर यू ब्रांड ओनर, आपको यस कर देना है। ठीक है, या फिर आपके पास ब्रांड ऑथोराइजेशन लेटर है तो आपको ये चूज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ यहाँ पे आपको पूछेगा कि प्लीज अपलोड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट फॉर ब्रांड। ठीक है, आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद व्हाट AI ब्रांड डू यू हैव ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट फॉर, आपकी जो कौन सी ब्रांड का आपके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये आपकी ब्रांड का नाम यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, जिस तरह ये एग्जाम्पल दे रखे है ना उसी तरह। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए नाइकी ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से दिखाएगा, मीशो मॉल विल हैव अ फी टू प्रोवाइड योर होस्ट ऑफ सर्विस डेडिकेटेड रियल एस्टेट ऑथेंटिक ब्रांड टैग ब्रांड प्रोटेक्शन डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर, वुड यू बी ओके विद पेइंग दिस नॉमिनल फीस। आपको यहाँ पे ओके कर देना, यानी कि यस कर देना। यस करने के बाद सबमिट कर देना, जिसे आप सबमिट कर देते हो उसका रिवर्ट बैक आपको मिल जाएगा मैक्सिमम 5 to 10 days के अंदर। ठीक है, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के अंदर।
जिसे आपको रिवर्ट आ जाता है, तो उसके बाद आपकी लिस्टिंग कैसे दिखेगी वो हम आपको बता देते हैं। ये वीडियो हमने पहले से रिकॉर्ड करके रखा है मिसो मॉल का, ठीक है। तो जैसे आप मिसो मॉल मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मिसो मॉल का यहाँ पे सेंटर में आपको दिखाई देगा बॉटम में, ठीक है। वहां पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे ब्रांड अवेलेबल है, जितने भी टॉप ब्रांड है, ठीक है, आप भी उसमें एंटर हो सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने पैरागॉन का ले लिया, ठीक है। तो जैसे लिया तो आप यहाँ पे टैग देख सकते हो मॉल का, ठीक है। जितनी भी लिस्टिंग वहाँ पे मॉल करके वो टैग दिखाई दे रहा है, वैसे आपकी लिस्टिंग पे भी वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके रेटिंग रिव्यू भी अच्छे होंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स इसमें आप देख पाओगे ना मिसो मॉल में, उस सबके रेटिंग रिव्यू भी अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, अब हम दूसरी कैटेगरी भी मेंस में फैशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी है इसमें एनरोल, आप भी हो सकते हो। ऐसा जरूर नहीं कि आप मतलब बड़े नहीं है तो आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कुछ नहीं दोस्तों। और आपके प्रोडक्ट में की क्वालिटी में दम होना चाहिए, आप आसानी से इसमें एनरोल हो सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।